असलकुम वरह वक्त दोस्तों कुवैत से आज की इम्पोर्टेंट खबर है कुवैत के मंत्रालय ने बताया कि फरबानिया और हाउली इलाके में कुवैत अधिकारियों का कंपेन अभी जारी है इलीगल एक्सपर्ट्स को गिरफ्तार करने के लिए जो अपने स्पॉन्सर को छोड़कर भाग गए हैं भगोड़े हैं या फिर जिनका रेसीडेंसी समाप्त हो गया है और कुवैत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं इन्हें गिरफ्तार करने के लिए कुवैत के फरबानिया और हावली इलाके में भारी मात्रा में अधिकारी तैनात किए हैं साथ ही कुवैत सरकार ने प्रवासियों की छूट को लेकर बहुत अच्छा फैसला सुनाया है बताया है कि रेसिडेंसी वीज़ा वाले प्रवासियों को सिक्स मंथ से ज़्यादा समय तक कुवैत से बाहर रहने की अनुमति है यानी कि छः महीने से ज़्यादा समय आप कुवैत के बाहर रह सकते हैं जानकारी के अनुसार कुवैत के बाहर प्रवासियों को अपने रेसिडेंसी परमिट को अपडेट करने की भी अनुमति है वहीं छूट को जारी रखने का ये फैसला अगले ऐलान तक मान्य रहेगा यानी कि उन्होंने बताया है कि जब तक अगला कोई नोटिस नहीं आता कोई ऐलान नहीं होता ये छूट प्रवासियों को जारी रहेगी साथ ही कुवैत में तीन सोशल मीडिया स्कीमर को गिरफ्तार किया है कुवैत के फरबानिया आंतरिक मंत्रालय ने तीन प्रवासी लोगों को गिरफ्तार किया जो सोशल मीडिया के माध्यम से कुवैतियों और प्रवासियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे यानी कि उनके पास फेक कॉल फेक मैसेज करके उन्हें लूटने की कोशिश की जा रही थी तो आप लोग ऐसे स्केमर्स और ऐसे फ्रॉड लोगों से दूर रहें साथ ही कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने कब इलाके में शराब फैक्ट्री चलाने वाले चार प्रवासियों को गिरफ्तार किया है कुवैत के जहरा गवर्नमेंट सुरक्षा निदेशालय को 400 शराब की बोतलें कब्जे में मिली जो बिक्री के लिए तैयार थीं। उन सभी बोतलों को जब्त कर लिया है और शराब की फैक्ट्री चलाने वाले इन चारों को भी गिरफ्तार कर लिया है तो दोस्तों ये थी कुवैत से आ रही कुछ लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आप तक शेयर करी दोस्तों कुवैत की ऐसी ही खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए